Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next chapter of class 12th Hindi Aroho, and that is Pehlwan Ki Dholak. Pehlwan Ki Dholak kahani Phaneeshwar Nath Renu dwara likhit ek shreshth kahani hai, jisme unhone Bharat par India ke chha jane ki samasya ko abhivyakt kiya hai. Yeh vyavastha badalne ke saath saath lok kala aur iske kalakar ke aprasangik ho jane ki kahani hai. To chaliye ab karte hain apni kahani shuru. श्याम नगर के समीप का एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हेजे से ग्रस्त था। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियां खड़ी थी। रात्रि में घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर करुण सिसकियां और कर्राने की आवाज गूंज रही थी। सियारों और पेचक की भयानक आवाजें इस सन्नाटे को बीच बीच में अवश्य थोड़ा सा तोड़ रही थी। इस भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बांधकर रो रहे थे। रात्रि भीषणता और सन्नाटे से युक्त थी, लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषणता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी पहलवान की ढोलक की आवाज इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। लुट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी बचपन में ही शादी हो चुकी थी, इसलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। ससुराल में पलते बढ़ते वह पहलवान बन गया था। एक बार श्याम नगर में एक मेला लगा। मेले के दंगल के दौरान लुट्टन सिंह ने एक प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे डाली, जो शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। श्याम नगर के राजा ने बहुत कहने के बाद ही लुट्टन सिंह को उस पहलवान के साथ लड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि वह एक बहुत प्रसिद्ध पहलवान था। लुट्टन सिंह ने ढोलक की धीना धीना धिक धीना आवाज से प्रेरित होकर चांद सिंह पहलवान को बड़ी मेहनत के बाद चित कर दिया। चांद सिंह के हारने के बाद लुट्टन सिंह की जय जयकार होने लगी और वह लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसके वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया। अब लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना चाहता था, इसलिए वह बचपन से ही उन्हें कसरत आदि करवाने लग गया। उसने अपने बेटों को दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके वयोवृद्ध राजा का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात विलायत से नए महाराज आए। राज्य की गद्दी संभालते ही नए राजा ने अनेक परिवर्तन कर दिए। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। बेचारा लुट्टन सिंह पहलवान इस परिवर्तन से बहुत दुखी हुआ। राजा के इस रवैये को देखकर लुट्टन सिंह अपनी ढोलक कंधे में लटकाकर अपने बच्चों सहित अपने गांव वापस लौट आया। वह गांव के एक किनारे पर झोपड़ी में रहता हुआ नौजवानों को कुश्ती सिखाने लगा। अचानक ही गांव में अनावृष्टि, अनाज की कमी, मलेरिया, हैजे जैसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। चारों ओर लोग भूख, हैजे और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इस त्रासदी से इतना डर गए कि सूर्यास्त होते ही अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। रात्रि के विभीषिका और सन्नाटे को केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की तान ही ललकार कर चुनौती देती थी। यही तान इस भीषण समय में धैर्य प्रदान करती थी। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी इसी भीषण विभीषिका के शिकार हुए। प्रातः होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को निस्तेज पाया। बाद में वह अशांत मन से दोनों बेटों को उठाकर नदी में बहाया। लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। इस असहाय वेदना और त्रासदी से भी पहलवान नहीं टूटा। रात्रि में फिर पहले की तरह ढोलक बजाता रहा। इससे लोगों को सहारा मिला, लेकिन
चार पांच दिन बीतने के पश्चात जब रात्रि में ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी तो सुबह उसके कुछ शिष्यों ने पहलवान की लाश को सियारों द्वारा खाया हुआ पाया। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के अंत में पहलवान भी भूख और महामारी से आई मौत का शिकार बन गया। यह कहानी हमारे समक्ष एक व्यवस्था की पोल खोलती है, साथ ही व्यवस्था के कारण लोक कलाओं के लुप्त होने की ओर भी संकेत करती है और हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न पैदा करती है कि यह सब क्यों हो रहा है। तो इसी के साथ हमारी कहानी होती है फिनिश। If this video is helpful for you, then please share it with your classmates and don't forget to subscribe my channel for more videos. जिंदगी बता दे क्यों तू खफा है, सांसें ही तो ले रहा हूं, ये भी क्या गुनाह है।